At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर वासियों के लिए खुशखबरी है कि सीतापुर में अब बंस कोल्हू कच्ची गानी सरसों के तेल का एक ऐसा मिल आज से शुरुआत उसकी हो गई है जो लोगों को शुद्ध कड़वा तेल उपलब्ध कराएगा। क्या खासियत है इस मिल की, बंस कोल्हू कच्ची गानी तेल के जो मालिक हैं विजय बंसल, जो बड़े उद्योगपति हैं सीतापुर के, उन्होंने लोगों की सेहत को विशेष ध्यान रखते हुए ये इस तेल का उत्पादन शुरू किया है। क्या खासियत है इस तेल की? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीतापुर की मांग पे इन्हीं सेमी में जो प्रोग्राम था 2023 में, हमने मुख्यमंत्री के सामने एक दो साइन किए थे, एक बैल को, एक इसका कच्ची घानी सरसों का और एक फ्लावर मिल का। ये लकड़ी से कोल्हू से तैयार किया हुआ, जो पहले ज़माने में लकड़ी के कोल्हू से तेल निकलता था, इसमें तत्व जितना भी होता सब मिट जाता है, विटामिन इसमें भरपूर रहता है। उसके बाद इसको हम फिल्टर करते हैं 3 फिल्टर से और पैकिंग करते हैं, और पैकिंग हमने 200 ग्राम की, 1 किलो की, 5 किलो की, 2 किलो की, 15 किलो की निकाली है। जहाँ भी तेल गया है सबकी मांग आई है और उन्होंने हमारे तेल की डिमांड की तारीफ की है। हम सभी जनता से ये उम्मीद करते हैं कि हमारा तेल एक मत से ज़रूर खाइए, आपको पसंद आएगा। ये विश्वास है कि 2-4-5 जिलों में, ये पहला प्राण जिले में हमने लगाया है। ये सीतापुर चूँकि मूँगफली के तेल का, सरसों का तेल का गढ़ था, यहाँ आज से करीब 30 साल पहले 400 मिलें थी, सब धीरे धीरे उखड़ गई, कोई हिम्मत नहीं करता था, तो हमने कच्ची घानी का बड़ी हिम्मत करके एक प्लान डाला है जो ऑटोमेटिक है। सरसों की छनाई इतनी आधुनिक तरीके से होते हैं, जान लीवर के हमने वो लगाए हैं चलने, जिनकी कीमत 18 लाख रुपए है एक चलने की, 2 चलने जी उससे सफाई होके लाही जो है प्लान को दी जाती है कच्ची घानी की। 180 कोल्हू लगाए हैं, 12-12 बोल्ट के 10 स्पेलर डाले हैं हमने और टैंक बनाए हैं। शुद्धता में कहीं भी कोई कमी नहीं है, सारा प्लांट ऑटोमेटिक है, अपने आप पैकिंग होती है, अपने आप सब तेल निकलता है। विजय बंसल जी, जो कोल्हू का तेल है, कोल्हू के तेल की खासियत क्या होती है वनस्पति अन्य स्पेलर तेल की अगर मुकाबला करें, इसमें उसमें अंतर क्या होता है? ऐसा है, बहुत लोग हैं अपने सीतापुर में जो सरसों खरीद लेते हैं, पिराते हैं, वो तेल खाते हैं, उसमें तत्व तो नहीं मिटता है। हमारी कच्ची घानी का तेल जब खाएंगे तो इसमें फेना नहीं होगा, तेल का टेस्ट ही अलग होगा। क्योंकि अभी विगत 2-3 दिन पहले हमने पराठे बनवाए थे तेल के, इतने स्वादिष्ट पराठे थे, आप इसको एक मत से यूज ज़रूर करें, लेंगे तो आप दौड़ के, लेकिन जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आपको खासियत नहीं मालूम होगी। क्योंकि ऊँची दुकान फीका पकवान जिनके ब्रांड चल रहे हैं, मेहनत की है जिन्होंने 20-20 साल से, वो चल रहे हैं, हमारा तो अभी शुरुआत है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमको विश्वास है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, ज़मीन से जुड़े थे, एक 1.5 टन का हमने राइस प्लांट डाला था, आज भगवान की कृपा हुई, हमारी क्वालिटी जैसे छाटी की हम क्वालिटी बनाते हैं, मजबूत छाटी की 2.5 नंबर की, पाकिजा खरा सोना डबल आम निकालते हैं, वो हमारी बंगाल में मांगी जाती है। हमारे यहाँ सीतापुर में कम से कम 8 प्लांट थे, 8 प्लांट कम से कम लखीमपुर में थे, गोला में थे, सब बंद हो गए, हमारे 2 प्लांट हैं आज भी चल रहे हैं, क्वालिटी से हमारा कोई समझौता नहीं है। आज के दिन हम तेल बना के जो दे रहे हैं 3 रुपये किलो का नुकसान है, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, चलाएंगे तो शुद्धता की गारंटी होगी, अन्यथा चलाएंगे नहीं। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मूल मंत्र है। और ये बात भी सही है कि जिस सीतापुर में कभी बहुत सारी तेल मिले हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कर बंद हो गई, और अब फिर से उस दिशा में एक बड़ा कदम विजय बंसल के द्वारा उठाया गया है।
जानना चाहेंगे कि अगर शुद्धता की बात करें तो शुद्धता चेक करने के लिए कोई पैमाना आपने बनाया है? हाँ, शुद्धता चेक करने के लिए हमने कम से कम 50 लाख रुपए लैब में लगाए हैं। जो हमारी लैब है आप उसका भी देख लें, अनुसरण कर लें। हमारा लैब टेक्नीशियन है जिसको हम देते हैं 60,000 रुपया महीना। खाना भी देते हैं, सुबह शाम रहने का स्थान देते हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे। बिगैर लैब से हमारे कसे तेल की पैकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा 25 फ्रिक्वेंसी का जो तेल होता है वही लैब वही पैकिंग होता है, अन्यथा पैकिंग नहीं होता। कुल मिलाकर लैब की चेकिंग इसी मिल में है? हाँ, इसी मिल में है और यही मिल में स्थापित कर रखा है। बिगैर लैब की चेकिंग के न सरसों हमारी पेरी जाती है न तेल पैक होता है। देखिए बहुत बड़ी बात कि कितने स्तर पर चेकिंग के लिए भी आपने लैब स्थापित कर रखी है ताकि लोगों को शुद्ध कड़वा तेल उपलब्ध हो सके। और खास बात यह है कि कोल्हू का ये तेल है, कोल्हू तेल में बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं वो बरकरार रहते हैं, लोगों की सेहत के लिए वो फायदेमंद होते हैं। इसीलिए जो बंस कोल्हू जो कच्ची घानी का तेल का उत्पादन आपने शुरू किया वो लोगों की सेहत को देखते हुए, उनके परिवार की सेहत को देखते हुए, और बंस कोल्हू ताकि एक किसी के भी परिवार का बंस सलामत रहे, सुरक्षित रहे, जीवन उसका सब कुछ सकुशल चले, उसी नाम से आपने तेल की स्थापना की। ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में रेट को लेकर आम ग्राहक इसको ले सकें, और बहुत सारे ऐसे लोग जो व्यवसाय करते हैं और तेल पर उनका बहुत कुछ निर्भर है, उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? उनको सुविधा ये रहेगी जो हमारी पैकिंग का तेल लेंगे उनको जो बैल कोल्हू है चक है इससे 2 रुपये किलो बनता मिलेगा शुरुआत में, और जो खुला तेल हमारा है वो 110 रुपये में है। वो हमारा खैराबाद जा रहा है, लहरपुर जा रहा है, लहरपुर में घर घर में यही तेल खाया जा रहा है। डेली कम से कम 150 से 200 पीपे की अभी खपत है, लेकिन हमको विश्वास है ये खपत हमारी 500 पीपे खाली खैराबाद से होगी। हम जो वंश कोल्हू तेल निकाले हैं हम कहीं नहीं भागेंगे, हम पहले अपने ज़िले में स्टैंड होंगे, जब हमारा ज़िला सहयोग हमको देगा तभी हम दूसरे ज़िले में वंश कोल्हू का प्रचार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले जनपदवासी इस शुद्ध तेल का उपयोग कर सकें, इसलिए बंस कोल्हू ने निर्णय लिया है कि सीतापुर वासियों के लिए पहले जितनी उनकी ज़रूरत है उसकी पूर्ति करेंगे, इसके बाद प्रदेश के अन्य जनपदों की तरफ भी जाएंगे। तो उम्मीद करें ये आने वाले दिनों में ये बड़ा ब्रांड बनेगा। ये बड़ा बनेगा, हो सकता है कि हमको डबल लगाना पड़े साल भर के अंदर ही, हमने आगे जगह छोड़ रखी है। ये जब हमारा तेल पूरा नहीं पड़ेगा तो हमने डबल प्लांट लगाने की जगह बना रखी है, और डबल प्लांट अगर हम तो यही जनता से उम्मीद करते हैं कि हमारे तेल को खाइए, देखिए, पसंद हो तो हम दूसरा प्लान डालें। बिल्कुल, तो देखिए उम्मीदें बहुत हैं, और ये भी दावा है कि यदि जनता ने इसे अपनाया तो दूसरा प्लांट वो डालेंगे ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चूँकि लंबे समय से विजय बंसल उद्योग जगत में हैं और उनके जो ब्रांड हैं वो चाहे राइस का ब्रांड हो, दालों का ब्रांड हो, वो दूसरे प्रदेशों में भी जा रहा है, इसीलिए आप अपना ब्रांड उतार कर सीतापुर को एक नई पहचान के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपका यह ब्रांड आगे तक छाए, इसी उम्मीद के साथ आज से शुरुआत हो चुकी है। अब लोगों की कसौटी पर बंस कोल्हू शुद्ध घानी तेल को उतरना है, ये आने वाला समय बता देगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।